और हिमाचल में 14 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने बीते 3 महीनों में लोगों को निराश किया है और कर्ज के नाम पर प्रदेश में विकास कार्यों पर ताला लगाने का काम किया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री 17 मार्च को सदन में हिमाचल का बजट पेश करेंगे, लेकिन बजट पर हंगामे के आसार अभी से बनते दिख रहे हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने सूर्या समाचार से खास बातचीत में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार से बीते 3 महीनों में निराशा ही मिली है। ऐसे में सरकार बजट में क्या लेकर आती है, इसका इंतजार रहेगा। उम्मीद का दौर जो है 3 महीने में ही समाप्त हो गया है। सत्ता में आने के बाद डीजल की कीमतें बढ़ा दी, तेल की कीमतें 9 रुपये की इंक्रीज हो गई, विकास कार्य सारे बंद पड़े हैं, लोगों ने जो काम किए हैं उनकी पेमेंट पिछले 4 महीने से कोई हो नहीं रही है, स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेजेस बंद कर दिए गए, हॉस्पिटल्स बंद कर दिए गए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान खुले थे, और ऐसे में बहुत बड़ा एक निराशा का माहौल है। और बजट में क्या करेंगे, मैं सारी चीज़ को लेकर के अभी कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा हिमाचल में पहली बार इस बात को देखा गया कि किसी सरकार का अगर लोकप्रियता का ग्राफ इतनी तेजी से गिरा हुआ, 3 महीने के अंदर ही लोग सड़कों पर उतर आए। बात बजट की होगी तो कर्ज का मुद्दा भी जाहिर तौर पर गूंजेगा। वहीं इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जनता को गलत आंकड़े पेश कर गुमराह करने का आरोप लगाया। 50,000 करोड़ का ऋण जो है वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त मिला था जब हम सत्ता में आए थे, और 75,000 करोड़ ऋण की अगर बात कह रहे हैं तो मैं उनको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, थोड़ा आंकड़ों को आप देख लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन सत्ता से बाहर आई है उस दिन हिमाचल प्रदेश में 69,500 करोड़ रुपीज़ का ऋण था, 75,000 करोड़ नहीं था। इन्होंने इन 3 महीने के कार्यकाल में 1,000 करोड़ रुपए उन्हें दिसंबर के महीने में लिया, 1,500 जनवरी के महीने में लिया, और 2,000 करोड़ रुपए जो अभी ले रहे हैं। और कुल मिलाकर के ऋण लेने की रफ्तार अगर सबसे आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किसी सरकार की सबसे तेज रही है तो वर्तमान सुखू जी की सरकार की होगी। ऋण तो हमेशा ही रहा हिमाचल के ऊपर, लेकिन हमने विकास पर ताला नहीं लगाया। आज सभी संस्थानों पर ताले लगा दिए, विकास कार्य बंद पड़ा है, और पैसों का ही रोना वो रोते हैं, और ऐसे में मैं समझता हूं कि चारों तरफ एक निराशा का माहौल है। जयराम ठाकुर संस्थानों को डीनोटिफाई किए जाने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने से नहीं चूके और कहा कि कर्ज का नाम लेकर सरकार ने विकास के कार्यों पर ताला लगाने का काम किया है। ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों को गुमराह किया है, बात ओपीएस की कर रहे हैं, और कर्मचारियों ने मांग की है कि ओपीएस सीधा ओपीएस की शेप में चाहिए, लेकिन अब एसओपी हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से जारी करने की बात कही है और कहा कि उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, मालूम नहीं कितना वक्त लगेगा। कहा तो था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू कर देंगे। कैबिनेट पहली बैठक में पास किया था, तो पास किया, घोषणा की उसमें, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, एसओपी क्या होंगे, अब 4 कैबिनेट की बैठकें हो चुकी उसके बावजूद अभी तक लोगों को स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस सरकार की गारंटियों को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमलावर दिखाई दिए और कहा कि सरकार ओपीएस को लेकर एसओपी को स्पष्ट नहीं कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर आने वाले दिनों में हिमाचल के सदन में भी शोर सुनाई देगा, जिसकी तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुटी है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।